एक पासे बाबा रणजीत सिंह ढड्डरियां वालिया ने सारी घटना लई सीबीआई जांच की मांग की है, तो दूजे पासे दमदमी टकसाल के मुखी बाबा हरनाम सिंह धूमा ने कहा कि बाबा रणजीत सिंह ढड्डरियां वाले अपने शब्द वापस लैन। देखो बेनती है, जिहड़ा बंदा व्यक्ति गलती करता उन्हें अपनी गलती तसलीम करनी चाहिए है। हर सिख दियां भावनावां उहदे नाल शांत होंदियां, हर सिख दियां। जे कोई नहीं करता तो फिर तो सारी संगत दे विच दुविधा पाउण दा कारण बन ही रहा ना। इहो गल ढड्डरियां दा तुहानूं पता जो गलती मान लाह ते गल कही है कि जी देखो महसूस करन कि गलती हो गई है ते मैं पहलां वह अपनी गलती नूं महसूस करे, जो उहने कदम चुक्या पहलां उहदी गलती उह मन्ने वी मैं इह गलत बोलिया, मैं अपने बोल अपने बयान वापस लैना, फिर ओहदे बारे विचार कीती जा सकदा। तुसीं नहीं देखो ये गल्लां तां ना जी जो भी हैगियां जिन्ना घटनाक्रम दीपक जी वापरिया ना सारा हुण तक तां सरकार दी साडे उल्टी सारी गल चल रही है, बिल्कुल साडी कोई फेवर दे विच नहीं, साडी कोई साडे सिंघां दी कोई किसी तरह की कोई यह नहीं देखिया गया भी यह दोष इन्हां दा कोई दोष भी है। धड़ाधड़ चक के गिरफ्तारियां करके टॉर्चर करके उन्होंने रिमांड लै लैके उन्होंने जेल के भेजा जा रहा। मेरी बेनती है जिहड़ी जिहड़ी दूजियां दी गल है जिहड़े कोई कोई भी कितने उत्थे कोई गया जां किवें गए है वह तो उन्होंने बयान है अपने, पर मैं तो एको गल कहनी चाहुंदा कि जो घटनाक्रम वापरिया इस दे मुढ़ तो इहदा विश्लेषण करना चाहिए। जे वह भी गए है तो वह एक गल तो पुछण ना ढड्डरियां वाले नूं भी तेरी की मजबूरी सी अज तो चार साल पहला तू मेरे बारे व्यक्तिगत कहिंदा, तू दस्तार बारे किवें शब्द कहे। सारे घटनाक्रम बारे श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार यानी गुरबचन सिंह ने दोनों संतां नूं शांति बनाए रखण की अपील की और इस टकसाल ने दरबार साहब के सत्कार वास्ते अकाल तख्त साहब की मान मर्यादा वास्ते बहुत वड्डियां कुरबानियां कीतियां, शहीदी यादगारां तैयार करवाईयां। इस टकसाल के नाल विरोध पैदा हो जाना संत रणजीत सिंह जी ढड्डरियां वाले का एक बहुत ही दुखदायक घटना भी है, गल भी है, क्योंकि संत रणजीत सिंह ढड्डरियां वाले सिख कौम दे विच एक बहुत ही प्यारे सत्कारे प्रचारक हैं जो देश ते विदेश विच बहुत वड्डी गिनती विच प्रचार भी करते ने, अमर संचार भी करते ने और संगतां बहुत वड्डी गिनती विच लखां दी गिनती विच चाहे वह विदेश का इलाका होवे चाहे देश का इलाका होवे संगतां सुनन वास्ते पहुँचदियां ने और उन्हां दे शब्दां दा संगतां दे उत्ते गहरा प्रभाव पैंदा है। इन्हां दोनां संतां महापुरशां दे विच आपस विच दी इस तरह का बोल बुलारा होण करके बयानबाजी होण करके बहुत ही मंदभागी घटना वापर गई जिस दे विच भाई भुपिंदर सिंह जी अकाल चलाना कर गए और उन्हां दे वल्लों जां उन्हां दे समर्थकां दे वल्लों कुदरती गल है कि अपने अपने पक्ष नूं सारयां दे सामने रखण वास्ते बयानबाजी की जा रही है जिस कारण करके ये होर भी विखाद पैदा होण दा खदशा है। इस नूं ध्यान में रखदिआं श्री अकाल तख्त साहिब वल्लों दोनों ही महापुरशां नूं प्यार विच यह हदायत की है आप भी और अपने सहयोगियों नूं भी किसी प्रकार की भी बयानबाजी देने तो गुरेज करना चाहिए क्योंकि ये संस्थावां का नुकसान नहीं, ये नुकसान पंथ का है, ये नुकसान सिख कौम का है। सिख कौम नूं पहलों ही बहुत वड्डियां चुनौतियों का सामना करना पै रहा है, कई सिखी दे रूप में ही सिख ढा ला रहे हैं, कोई अमर संचार दियां बाणियां बदल रहा है, कोई इतिहास ते किंतु परंतु कर रहा है, कोई गुरबाणी ते किंतु परंतु कर रहा है, जो बहुत ही एक दुखदायक घटना है। सिख कौम एक छोटी जी कौम है जिसकी उम्र भी बहुत छोटी है ते इस दे उत्ते बहुत वड्डियां विपतावां जिहड़ियां ने वो मंडला रही ने उन्हां सारियां नूं दूर करन वास्ते समुचे सिख भाईचारे विच एकता इतफाक कायम होना जिहड़ा ये बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट D5 न्यूज़।